नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कुल्लू में महिला की हत्या, जीपीआरओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी गिरफ्तार। हिमाचल में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, शिमला के होटल पैक पर्यटकों ने गाड़ियों में बिताई रात। पंजाब के युवक की ब्यास नदी में डूबने से मौत, अरनी विश्वविद्यालय के पास हादसा। शिमला में जन्म के ठीक बाद नवजात को फेंक फरार हुई बिन ब्याही मां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिरमौर में 126 दिन बाद कोई पॉजिटिव नहीं, किन्नौर में 99% आबादी को लगी वैक्सीन। हमीरपुर के चौकी कनकरी में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में 20 सड़क पलटी कार। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अटैक का रहस्य गहराया, नहीं मिले ड्रोन के टुकड़े, इंपैक्ट आईईडी के इस्तेमाल की आशंका। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, 2000 केएम तक करेगी मार। लाल किला हिंसा के 1,00,000 का इनामी गुरजोत सिंह अमृतसर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू में महिला की हत्या, डीपीआरओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी गिरफ्तार। कुल्लू जिला मुख्यालय के हनुमानी बाग में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। लोक संपर्क विभाग कुल्लू के एक कर्मचारी पर हत्या का आरोप लगा है। महिला की पीट पीट कर हत्या की गई है। घटना रविवार रात की है। कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ क्वार्टर में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। मृतका की पहचान चंद्रिका 40 वर्षीय निवासी मंगलौर, तहसील बंजार, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नियर चौक भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी कुल्लू राजकुमार चंदेल ने कहा, पुलिस ने केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, शिमला के होटल पैक पर्यटकों ने गाड़ियों में बिताई रात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की कई बंदिशें खत्म होते ही पर्यटक कारोबार को पंख लग गए हैं। शनिवार रात शिमला के अधिकतर होटल पैक होने के बाद कमरे न मिलने के चलते सैलानियों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी। गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग भी नहीं मिली। मनाली, मैक्लोडगंज, चंबा के डलहौजी, खजियार, सोलन के चायल, कसौली में भी पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। धर्मशाला के दुर्गम पर्यटन स्थल त्रियुंड में 800 सैलानी पहुंचे। बीड़विलिंग में 90% होटल बुक रहे। होटलों की एडवांस बुकिंग हो रही है। इस माह वीकेंड पर रिकॉर्ड सैलानी शिमला समेत प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने बताया कि इस वीकेंड पर करीब 22,000 वाहनों ने शोधी बैरियर से आवाजाही की है। पंजाब के एक युवक की ब्यास नदी में डूबने से मौत, अरनी विश्वविद्यालय के पास हादसा। रविवार देर शाम पंजाब के एक युवक की इंदौरा के टांडा पतन पुल के पास ब्यास नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही इंदौरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। इंदौरा में अरनी विश्वविद्यालय के पास टांडा पतन पुल के पास ब्यास दरिया में सोहन कुमार, जिला पठानकोट, पंजाब, उम्र 27 वर्ष, नहाने के लिए ब्यास दरिया में पानी में चला गया, जबकि उसके दो अन्य दोस्त दरिया किनारे बैठे रहे। सोहन कुमार नहाने के लिए ब्यास दरिया में उतरा तो अचानक गहरे पानी में चला गया। अपने साथी को डूबता देख उसके दोस्तों ने सोहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते युवक पानी में समा गया। शिमला में जन्म के ठीक बाद नवजात को फेंक फरार हुई बिन ब्याही मां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल के शिमला में बिन ब्याही मां ने नवजात शिशु को जन्म के कुछ घंटे बाद लावारिश हालत में छोड़ दिया। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात एक कर्मी ने शिशु के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर शिशु को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नवजात को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। पुलिस ने बिन ब्याही मां को 5 घंटे के भीतर खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 317 के तहत केस दर्ज किया है। सिरमौर में 126 दिन बाद कोई पॉजिटिव नहीं, किन्नौर में 99% आबादी को लगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटने लगे हैं। सिरमौर जिले में 126 दिन बाद रविवार को कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया। जिले में 22 फरवरी को कोई संक्रमित नहीं आया था। किन्नौर जिले में भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। बीते दिन लाहौल स्पीति 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अन्वेषा नेगी ने कहा कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान सोमवार 28 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिले के 48 स्थानों पर टीकाकरण का काम शुरू होगा।
हमीरपुर के चौकी कनकरी में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में 20 सड़क पलटी कार। ताल डेरवी टिक्कर मार्ग पर चौकी कनकरी में सोमवार सुबह उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। हालांकि हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया है। सोमवार सुबह 9:45 बजे ताल से टिक्कर की तरफ आ रही एक कार चौकी कनकरी के पास तीखे मोड़ पर दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे बिजली व फोन के खंभों से टकरा कर पलट गई। कार को नुकसान हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अटैक का रहस्य गहराया, नहीं मिले ड्रोन के टुकड़े, इंपैक्ट आईईडी के इस्तेमाल की आशंका। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर शनिवार रात हुए दो धमाकों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए और पुलिस मिलकर कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को धमाके में शामिल आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी होने की खबर नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए धमाकों में आतंकियों ने इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया था। इंपैक्ट आईईडी यानी ऐसा विस्फोटक जो जमीन या सतह पर आते ही फट जाता है। हालांकि अभी भी फोरेंसिक लैब में सैंपल की जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट आने में 48 घंटे तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद ही दावे के साथ बताया जा सकता है कि धमाकों के लिए आतंकियों ने किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए लखनऊ के राजभवन में विशेष व्यवस्था की गई है। यहां अत्याधुनिक सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सुइट में रुकेंगे, यहीं वे दोपहर का भोजन परिवार के साथ करेंगे। शाम को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिन एनवी रमना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहन न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी व हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के साथ स्वल्पाहार में शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, 2000 केएम तक करेगी मार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सोमवार को एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम अग्नि प्राइम मिसाइल है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी मिसाइल अग्नि क्लास की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। सोमवार को उड़ीसा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास से इसका परीक्षण किया गया। ये परीक्षण 28 जून को सुबह करीब 11 बजे हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी तट के पास कई ट्रिग्नोमेट्री और रडार स्टेशन लगाए गए थे जिन्होंने अग्नि पी के परीक्षण पर नजर रखी थी। परीक्षण में पाया गया कि उस स्तर की सटीकता के साथ इसके सभी उद्देश्यों को पूरा किया। लाल किला हिंसा के 1 लाख का इनामी गुरजोत सिंह अमृतसर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के एक आरोपी गुरजोत सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार सुबह अमृतसर से गिरफ्तार किया है। गुरजोत के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मालूम हो कि बीते दिनों लाल किला हिंसा को लेकर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप पत्र में पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया था। पुलिस ने कहा था कि जांच में पाया गया है कि इस हिंसा की पहले से तैयारी थी। इसे अचानक हुई हिंसा कहना गलत है क्योंकि दंगाई हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनके पास तलवार हॉकी डंडे जैसे हथियार थे। उन्होंने वहां जमकर उपद्रव मचाया था। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की आड़ में इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है।